ओम शांति। आज तारीख है 30/5/2021। प्रातः मूल्यम शांति। अव्यक्त भाव दादा रिवाइज 10/1/1988 मधुवन। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है, तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना समय प्रति वह अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको सम्मान दिए हैं लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है, कोइयों ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखूट मालामाल है, कोई समय पर प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। वरदान तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यही तीन संबंध है। कर्म बंधन तोड़ने हैं, दूसरा अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और तीसरा एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते हुए भी अपने नए संबंध नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो ही नहीं सकती। स्लोगन, योगी की निशानी है सदा कलीन और क्लियर। ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे कले दे बच्चे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाबा के मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। अच्छा, फिर से ओम शांति।